हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टाइम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज से मैं डेली करंट अफेयर आपका कवर करवाऊंगी। जो भी डेली की न्यूज़ होंगी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कवर करके इस वीडियो में बताऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज मैं 24 अप्रैल की न्यूज़ है जो भी इम्पोर्टेंट, वो सारी कवर करूँगी जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। देख लेते हैं इस न्यूज़ को, हम विस्तार में देख लेते हैं। तो इस न्यूज़ में हमें बताया गया कि भारत के जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, उनको हटाने से जुड़े 7 दलों ने महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने व्यापक विचार विमर्श के बाद खारिज कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के सभापति होता है वो कौन होता है, हमारा भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो कि वेंकैया नायडू हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में 7 दलों में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को दिया गया था। कांग्रेस ने CPM, CPI, SP, BSP, NCP, मुस्लिम लीग के समर्थन का पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा था। बिहार में पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद की RJD और पश्चिम बंगाल की तृणमूल जो कांग्रेस है, उसके इस प्रस्ताव में साथ नज़र नहीं आए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कौन सी 2 पार्टियां थी जो कि इस महाभियोग के प्रस्ताव में साथ नहीं थी। तो लालू प्रसाद की RJD और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। दोनों दलों ने महाभियोग को लेकर हुई मीटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। यह एक अभूतपूर्व कदम था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया था, ठीक है। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य के हस्ताक्षर वाला महाभियोग प्रस्ताव लाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 124(5) के तहत दिया गया। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आता है, ये संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 124(5) के अंतर्गत, ठीक है। इस वजह से यह कानून सम्मत है। इसका राज्यसभा के अध्यक्ष को सदन में एक विषय पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। 23 अप्रैल 2018 को उपराष्ट्रपति ने इस बारे में फैसला लिया। इस फैसले से चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मुहिम को झटका लगा है। उपराष्ट्रपति ने तकनीकी आधार पर विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है तथा अपने 10 पेज के आदेश में नायडू जी ने लिखा कि यह राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव था, ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको जरूर याद रखें आप। अगली न्यूज़ देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है मेघालय से पूरी तरह हटा आसफा, ठीक है। मेघालय के सभी क्षेत्रों में से 31 मार्च से यह कानून हटा लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में सुरक्षा की स्थिति उल्लेखनीय सुधार देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अरुणाचल के 16 थाने क्षेत्रों में से केवल 8 में ही आसफा लागू है। ये थाना जो 8 थाना क्षेत्र है वो असम से सटे हुए हैं, ठीक है। तो 8 के अलावा सभी क्षेत्रों से हटा लिया गया है आसफा। और जान लेते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर पूर्व के विभिन्न संगठन कानून में संशोधन का मांग कर रहे थे। संगठनों का कहना था कि इसके तहत सुरक्षा बलों को नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के असीमित अधिकार दिए गए हैं। नागालैंड में कई दशक पहले से ही आसफा लागू है। असम में 1990 के दशक में इस लागू हुआ ये। तो आपको ये भी याद रखना है कि असम में कब से लागू हुआ है, 1990 से, ठीक है। 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी में नागा उग्रवादी समूह NSCN IM महासचिव थुंगेलेब मुइवा तथा सरकार के वार्ताकार RN रवि के बीच समझौते हस्ताक्षर होने के बावजूद भी नागालैंड से आसफा नहीं हटाया गया था और अभी भी नहीं हटाया गया नागालैंड से, परंतु मेघालय से यह हटा लिया गया। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाल में ही किस राज्य से अभी आसफा हटा लिया गया है, तो कहाँ से, मेघालय के सभी क्षेत्रों से हटा लिया गया है, ठीक है। सशस्त्र बल की विशेष शक्ति अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में इस सशस्त्र बलों को है इस कानून के तहत विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं,
ठीक है, और वो लोग किसी भी परिसर की तलाशी लेना और बिना वारंटी के किसी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इस न्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा कि मेघालय से पूरी तरह आसपा हटा लिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखते हैं, हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2018 नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जान लेते हैं इस सम्मेलन में क्या है। नई दिल्ली में 22 से 24 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए जा रहे हैं ये सम्मेलन, अब तक के पहले अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2018 में 37 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। और भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, केन्या, कोरिया, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका एवं UAE। ठीक है, तो आपको इन देशों के नाम याद रखने हैं, और टोटल कितने देश थे, 37, जिनमें से प्रमुख ये थे। ठीक है, और इन देशों के प्रतिनिधिमंडल कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, रणनीतिक रक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा, लॉजिस्टिक, डिजिटल मनोरंजन व अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अपने देशों के लघु उद्यमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको ये भी याद रखना है किस किस क्षेत्रों से हैं, इन सभी क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, ये सब तो आपको याद रहेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन तो आप इसे नहीं लगाएंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें अपशिष्ट प्रबंधन भी रखा गया है। इस सम्मेलन में भारत के 400 से अधिक उद्यमी भी भाग ले रहे हैं। पोलैंड के प्रतिनिधि ने सबसे अधिक संख्या में भागीदार रहे हैं इसमें, तो आपको ये भी याद रखना है किस देश के सबसे अधिक प्रतिनिधि रहे हैं, तो पोलैंड के। ठीक है, सम्मेलन के दौरान सीमाओं से आगे नामक एक खादी फैशन शो का भी आयोजन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो आपको ये भी याद रखना है कि सीमाओं से आगे खादी फैशन शो, ठीक है, कहाँ हुआ है, इसी सम्मेलन में, SME। ठीक है, इस अवसर पर छोटे तथा मध्यम उद्यमों के जो विश्व संघ है उसके अध्यक्ष जो हैं गियान फ्रांको तेरेंजी, तथा भारत के जो अध्यक्ष हैं इसी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्रहलाद कक्कड़, तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कुमार पांडा इस बोर्ड में अध्यक्ष रहे और इसमें मौजूद रहे इस सम्मेलन में। ठीक है, तो आपको इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो विश्व संघ का छोटे तथा मध्यम उद्योगों का विश्व संघ है उसके अध्यक्ष कौन है हाल में ही, गियान फ्रांको तेरेंजी। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। तो आपको इस न्यूज़ में आप लोग देख लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि किन किन देशों ने भाग लिया, सबसे अधिक कौन भागीदार था, और इस समय विश्व संघ छोटे तथा मध्यम उद्योगों के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है भारत में दक्षिण कोरिया का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने दक्षिण कोरिया के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को देश में लागू करेगी। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल में ही किस देश के ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्वीकार किस को लागू करेगी। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके अलावा दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित मदद उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो मई में होने वाली भारत यात्रा के दौरान NHAI तथा दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर होंगे। अब देख लेते हैं इस सम्मेलन में क्या, इसमें नितिन गडकरी ने क्या क्या कहा है। गडकरी जी ने कहा है कि भारत में हर साल 1.5 लाख लोगों की जो मौत है वो सड़क दुर्घटना में हो जाती है, और उन्होंने बताया इस जो ये ट्रैफिक सिस्टम लागू हुआ हो रहा है इसमें किस कंपनी ने अपने संबंध की मदद की इच्छा जताई है, तो कौन सी कंपनी है, TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देश की प्रमुख कंपनी है ये, तो इसने इस संबंध में मदद की इच्छा जताई है जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत लोग होंगे उनके अंग दाताओं के अंगों को हेलीकॉप्टर के जरिए अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, गडकरी जी ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 750 रोड साइड एमिनिटीज की स्थापना करेगी। इनमें रेस्टोरेंट होंगे के रेस्ट रूम होंगे, मनोरंजन पार्क होंगे, पेट्रोल पंप होंगे, पार्किंग केंद्र के अलावा आपको हेलीपैड की भी सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके जरिए अंगदान के लिए सड़क से अस्पताल तक हेलीकॉप्टर की उड़ानें यहीं से होंगी। ठीक है,
इसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि जो सड़क हमारे सड़क सुरक्षा सचिव हैं युद्धवीर सिंह मलिक ने कहा कि विश्व में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भारत का योगदान कितना है, केवल 1%। ठीक है, तो आपको ये आंकड़ा भी याद रखना है कि भारत का वाहनों से होने वाला विश्व में प्रदूषण कितना प्रतिशत योगदान है भारत का, सिर्फ 1%। परंतु अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो मौतों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से हमारी 10% हिस्सेदारी, मतलब 10% मृत्यु जो सड़क दुर्घटनाओं की है वो केवल भारत में ही होती है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। देख लेते हैं अब अगली न्यूज़ कौन सी है हमारी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, साल 2017 में भारत को रेमिटेंस में टॉप स्लॉट। ठीक है, भारत ने अपने डायस्पोरा के साथ सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों के रूप में अपना रुतबा बरकरार रखा है। साल 2017 के दौरान देश के भीतर 69 मिलियन डॉलर की रकम देश के भीतर आई है और यह जानकारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। साल 2017 के दौरान भारत का रेमिटेंस 9.9% की प्रतिशत की उछाल के साथ 69 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले उलट स्थिति है, लेकिन साल 2014 में ये अपना 70.4 बिलियन डॉलर के मुकाबले अब भी कम है। मतलब 2014 में ये कितना था, 70.4 बिलियन डॉलर था, जो कि अभी 2017 में कितना है, 69 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अप्रवासियों की ओर से देश में पैसा भेजने की स्थिति में सुधारक नए रिकॉर्ड पर पहुंची है, लेकिन पैसा भेजने की लागत भी काफ़ी बड़ी है। रेमिटेंस की उम्मीद के मुताबिक बेहतर सुधार व मजबूती देखने को मिली है, जो कि दुनिया के कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए काफ़ी होती है, जिनकी ग्रोथ यूरोप, रूस, अमेरिका की ओर से संचालित होती है। रेमिटेंस की स्थिति में यह सुधार तब देखा गया जब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था और क्रूड में उबाल जारी है। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी है इस बयान में कहा गया कि रेमिटेंस में सुधार हर क्षेत्र में हुआ, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा रहा है, भारत। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन रहा है, भारत। ठीक है, अब हम लिस्ट देख लेते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, तो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, इंडिया है 65.4 मिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रैंक पे कौन है, चाइना। थर्ड रैंक पे फिलीपींस है। ठीक है, और टॉप 10 में लास्ट पे कौन है, ग्वाटेमाला। ठीक है, तो आपको ये इंडेक्स भी याद रखने है कि पहले दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर कौन है, और भारत पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, तो वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं हमारी, अगली और अंतिम न्यूज़ है कि गिद्धों में बढ़ रहे हैं दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया। ठीक है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिकों ने एक अनोखे अध्ययन में पता लगाया है कि भारत में प्रवास के दौरान गिद्ध की जो घूमंत प्रजाति होती है उनमें मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, और यह संक्रामक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया उनके बाहक पक्षियों को नुकसान पहुंचाएं। दुनिया के इस हिस्से में घूमंत पक्षियों पर किया गया यह अध्ययन बता, इसके जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं और बहुत ही दिलचस्प हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या परिणाम आए हैं। इसमें बताया गया कि उत्तर पश्चिमी भारत में हर साल सर्दियों में मिस्र के गिद्ध हैं वो प्रवास के लिए आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में कहाँ के आते हैं, मिस्र के गिद्ध आते हैं प्रवास के लिए हर साल सर्दियों में, जिनमें से 90% गिद्धों में ई कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति देखी गई है। ये पोर्शन जो है आपका वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि गिद्धों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया पर इन दवाओं का कोई असर नहीं होता, मतलब ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इस पर आप कोई भी दवा दीजिए, इस पर इसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई दवा का इस पर असर नहीं होता है। ठीक है, और यह अध्ययन पिछले महीने इन्फेक्शन इकोलॉजी एंड एपिडर्मियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के पैटर्न का पता लगाने के लिए किया गया यह अध्ययन वन्य जीव के लिए अनोखा है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत जैसे देशों में जहाँ वन्य जीव जंतु का लोगों और तथा पालतू जानवर के साथ निरंतर संपर्क होता है, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा निगरानी रखें
ताकि उनकी वजह से किसी महामारी के फैलने का खतरा ना हो। ठीक है, तो आप इस न्यूज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गिद्धों के अंदर ये चीज़ बढ़ रही है। अगर ये चीज़ मानव में अंदर आ गई तो आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उस पर फिर आपको बहुत हाई डोज की कोई आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तब शायद आप जाके सही होंगे, या हो सकता है वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर बस जाए और आप सही ना हो पाए। इसलिए इस चीज़ इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है और भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम न्यूज़ थी, इसके साथ मैंने आज की सारी न्यूज़ें कवर की हैं जो भी इम्पोर्टेंट थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।